चलिए अगले कॉलर से बात करेंगे। जीके कौशिक है हमारे साथ नई दिल्ली से। कौशिक साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ सर नमस्कार। सर नमस्कार मैम, मेरे पास शिल्पा मेडिकेयर है। आई जस्ट परचेज 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 404 रुपीज, बट अभी ये लगातार नीचे जा रहा है, तो क्या हाउ टू गो अहेड विद दिस? साथ में बंधन बैंक में है, तो एक ही का बता सकते, दोनों बता दो मैम। हेलो, बंधन बैंक आपकी बाइंग है 257 की, करेक्ट? और शिल्पा मेडिकेयर भी आपके पास? जी शिल्पा मेडिकेयर 404 रुपए की। ओके, तो क्या सजेशन? शिल्पा मेडिकेयर तो इनको काफी नुकसान दे रहा है 130 रुपए के आसपास का, और बंधन बैंक में 257 रुपए की बाइंग है। देखिए मुझे लगता है दीपाली जी, सबसे पहले शिल्पा मेडिकेयर को देखते हैं, तो देखिए स्टॉक से प्यार मत करिए, उसके रिटर्न्स को देखिए। अगर इस समय चार्ट पर खराब लग रहा है और ये 220 रुपए के लक्ष्य दिखा सकता है, तो यहां से भी अभी बहुत लंबा गिरने के लिए मुझे लगता है इससे आपको एग्जिट होना चाहिए। और अगर आपको मेडिकल के ही स्टॉक्स, फार्मा के स्टॉक्स लेने हैं, तो सन फार्मा और सिप्ला, ये दो स्टॉक्स हैं, उन पे फोकस करिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सन फार्मा और सिप्ला, इनकी तरफ आप फोकस करिए, क्योंकि उनमें ज्यादा आपको मोमेंटम मिलेगा। और यहां पर अभी ओवरऑल जो है वो थोड़ा सा शिल्पा मेडिकेयर खराब है। दूसरा बंधन बैंक है। देखिए बंधन बैंक में थोड़ा सा मोमेंटम यहां पर रुकता हुआ नजर आया, और आपने ये क्लियर कट देखा होगा कि काफी हद तक रेजिस्टेंस यहां पर फेस कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक के फंडामेंटल यहाँ पर चेंज हो गए, लेकिन ये मैं कहूंगा कि बंधन बैंक थोड़ा सा रुकता हुआ सा नजर आ रहा है, तो आप अपनी ट्रेन को बदल लीजिए, स्विच कर लीजिए। आप यहां से बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर दूसरा फेडरल बैंक, इन दोनों में से कोई भी एक चूज करके शिफ्ट हो जाइए, जिससे कि आप ज्यादा तेजी से आप अपने लॉस को भी रिकवर कर पाएंगे और प्रॉफिट भी।